है कि बेटी अभी तो हमारा ही खा रही है तो हमारा ही देंगे ना। नहीं तुम्हें कृष्ण जी कि गणेश जी चाल से बनाए। हर हर महादेव। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, इस समय मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 12:30 बजे से, और मैंने अपने 2-4 वीडियो में आफ्टरनून की जगह गुड इवनिंग बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी। एंड यहाँ पे मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। आज है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन मैंने पहना है पीला, मैंने भी पहना है, मेरे हस्बैंड ने भी पहना है, बच्चों को भी बोल दूँगी पहनने के लिए जब स्कूल से आएंगे तब, अभी नहीं। ठीक है, आज मन था साड़ी पहनने का, तो फिर मुझे लगा आज नहीं, कल है शिवरात्रि, कल पहनूंगी साड़ी। पर शिवरात्रि को हम लोग व्रत व्रत नहीं रहते क्योंकि हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता शिवरात्रि, कोई ऑफ हो गया उस दिन, इसलिए नहीं मनाते हम लोग शिवरात्रि। और खाना पीना मेरा हो गया, यहाँ पे मैंने बनाया कढ़ी रखी हुई है, मैं खाई नहीं, मतलब थोड़ा सा खाई, थोड़ा सा रख दी, मन नहीं किया खाने का तो नहीं खाई हूँ। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मैं आप लोगों से मिलूँगी शाम को, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे आ रही है नींद, दवाई खा चुकी हूँ, ग्रीन टी पी रही हूँ, पी के जाती हूँ सोने, उठूँगी फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिए, अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, मैं यहाँ पे आई हूँ वॉकिंग करने। आज मैं अभी को सुबह से अभी को अपना फ़ोन उठा रही हूँ, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, वॉकिंग करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं अपने अपार्टमेंट के आगे पीछे ही चक्कर मारती हूँ, कहीं और नहीं जाती। चले मिलती हूँ। बच्चों को कढ़ी खाना था ना, कल बनाई थी तो थोड़ा सा बनाई थी, शाम को सब दो से चावल और खा लिए, ख़त्म हो गया, फिर सुबह में बनाई। अब इतनी टाइम में लोग नहीं खाएंगे क्योंकि दो बार हो जाएगा। हाँ, आदमी बहुत खाते हैं। अच्छा, दाल वाल कढ़ी उड़ी हमारे यहाँ तो हमेशा ही बनता रहता है। उस दिन मीना बनाई थी, आप आए ही नहीं। ओ सही है, हाथ बहुत खींच रहा था उसके, और अम्मा को भी ऐसा उठा नहीं पा रहा था, पलंग पे लेटे तो खींचना, इस पे वजन डाल लेता, ये ऐसा अंदर होता था मेरा हाथ। हाँ तो उस दिन मीना बनाई थी, बहुत अच्छा बना था, उस दिन रखी थी, मैं सोची आप आओगी दूंगी तो आप नहीं आए, दूसरे दिन खत्म हो गया। अच्छा रहता है तो बच्चे खूब खाते हैं। अच्छा तो क्या बना रही हो? आटा झाम दाई ना था, खूद कर रही हो? बनाऊंगी रोटी। मैं भी तो वही बोली, तो पहले तुम बोली क्या कर रही हो, आटा रोटी बना रही हो? रोटी के लिए तो होता है, पहले आटा गूंथते हैं उसके बाद रोटी बनाते हैं। जी जी जी, हमारा सब्जी बन गया है और रोटी भी अभी नहीं बनाऊंगी, बाय जब डैडी आएंगे तब बनाऊंगी। ओके, और कल क्या के रख देती हूँ, कल है मेरी छुट्टी, मम्मी का हॉलीडे, मेरा भी हॉलीडे है, बच्चों का हॉलीडे रहता है तो मेरा भी हॉलीडे रहता है, मैं आराम से सो सकती हूँ। मैं भी, हमारे यहाँ ना शिवरात्रि नहीं मनाया जाता। मैं अगले साल से व्रत रहूंगी। अगले साल से? हाँ अगले साल से। अरे रह सकती है, बहू नहीं रह सकती, बेटी रह सकती है सिर्फ। बेटी है। हमारे यहाँ सब लोग मानते हैं कि मतलब जैसे कि बेटी पराया रह होती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बेटी अभी तो हमारा ही खा रही है तो हमारा ही देंगे ना, लेकिन सबका उल्टा नहीं है, मैं क्या बोलूंगी, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, इसलिए हमारे यहाँ जन्माष्टमी नहीं सब मनाया जाता, नहीं सहता, तो आ गया, लेकिन जन्माष्टमी भी व्रत रहने लगी दो साल से, दो साल हो गए इसको रहते हुए, कृष्ण जन्माष्टमी इस बार मैं छोटे से कृष्ण जी खरीदूंगी।
अपनी मौसी से बोल देना दे देगी खरीद के। क्यों? क्योंकि नहीं लाती अपने से, मेरा ही पैसा रहेगा ना बेटा। मौसी से अभी से बोल दो पैसा रहेगा तो खरीद के दे देगी। क्या बाद में पैसा दे दोगी? नहीं दूंगी, बाद में देना रहता तो मैं ही नहीं खरीद लेती। बोलो मौसी एक मुझे कृष्ण जन्माष्टमी के लिए कृष्ण जी की मूर्ति या कुछ खरीद लो। खरीद देंगी। गांव में मैं पेंटिंग बना के लाई थी तो उसी की पूजा, उसी से पूजा होती है। बहुत क्यूट है वो। आपने मम्मी के, जब मम्मी गांव जाती है तो आपने वीडियोस में देखा होगा, आपने शायद कोई वीडियो में दिखाया भी था ना। हाँ शायद दिखाई हो, गांव के ब्लॉग में दिखाई थी, इसी बार तो दिखाई। मेरी मम्मी ने दिखाया था क्या, एक मीरा जी बनाई थी, एक गणेश जी बनाया था और एक कृष्णा जी, और कृष्णा जी की अब तक पूजा होती है वाली पेंटिंग की। हाँ। और मम्मी ने देखो अच्छे से जम रहा है। हाँ मम्मी ने चावल से बनाई थी ना, चावल से बनाई थी ना कृष्ण जी की, गणेश जी चावल से बनाई थी। गणेश जी थोड़ा बहुत चावल है, अरे रक्षा से भी बनते हैं गणेश जी, लेकिन मैं सीखने वाली थी नहीं, उस समय सीखने का जुनून था, इतनी बीमारी रही थी, इतना टेंशन नहीं था। टेंशन तो वैसे कुछ भी नहीं है, बस बीमारी बहुत ज्यादा है। टेंशन है ना? क्या मेरा उसका ज्यादा, इस लड़के का, तुम लोगों का तो टेंशन रहेगा ही। इंजीनियरिंग चलो बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में, रोटी बनाते टाइम। सो गाइज मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ रोटी, और इस समय टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। पति देव दुकान गए थे, बहुत लेट से आए हैं दुकान से। कितने बज रहे हैं इस समय? 11 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ 11 बजे रात को रोटी। मतलब 11 बजे में 5 मिनट बाकी ही है, मैं बना रही हूँ रोटी। वेट करते करते थक गई, तब मुझे गुस्सा आया, फ़ोन करी। मैं बोली कि अब खाना ही नहीं बनाऊँगी, तो बोले नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। तो फिर 5 मिनट में आ गए तो रोटी बना रही हूँ, क्योंकि रोटी अगर देती हूँ तो गर्मा गर्म रहता है तो 4-5 खा लेते हैं, वरना अगर ठंडा रहता है तो 1-2 खाते हैं। और सुबह में तो ठंडा रहे चाहे गर्म रहे, 2 रोटी से ज़्यादा खाते ही नहीं हैं। कभी कभी तो एक ही रोटी खा के पूरा दिन रह जाते हैं, पता नहीं कैसे रह जाते हैं, मैं तो नहीं रह पाती। तो यही है, यहाँ पे बन रहा है रोटी। बना चुकी हूँ सब्जी, आलू मटर गोभी टमाटर की सब्जी बनाई हूँ और रोटियाँ बना रही हूँ। गर्मा गर्म पति देव खा लेंगे, बच्चे देखो खाते हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चे लोग पानी पूरी लेकर आए थे, पानी पूरी खाएं। मैं भी 2-3 पीस खाई, ज़्यादा नहीं खाई, लेकिन पति देव मेरा संती लेकर आए थे तो मैं पानी पूरी देके कंट्रोल नहीं कर पाई, तो 2-3 पीस खाई, ज़्यादा नहीं, बाकी सब मैंने बच्चों को दे दिया और 2-3 पीस पति देव भी खाए बस, बाकी सब बच्चे खा गए। तो यही है ब्लॉग। और रोटी देखो कितनी अच्छी फूल रही है, रोटी अच्छी फूलती तो अच्छा लगता है। सो गाइज यही है आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अरे यहाँ पे मेरा पेटीकोट देख रही है, ठीक है साड़ी पहनना है मुझे, तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।